बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद साकिब। नाज़रीन ने काइंडली वीडियो ज़रूर देखना जितने जेडे मेरे दोस्त देख रहे हो, क्योंकि ए वीडियो है तो वैसे चंद एक लोगों वास्ते, लेकिन और वो फील भी कर देंगे जिन्हें लोगों वास्ते मैं वीडियो बना रहा। वीडियो मैं बेसिकली बना रहा कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मोनेटाइज हो गया। हूँ बेसिकली मैं कहना यह चाहना कि लोगों ने बड़ा मेरा मजाक उड़ाया है, बहुत मजाक उड़ाया है लोगों ने। और मैंने कासम अली शाह की एक गल बड़ी याद है, वेखो अच्छे लोगों ने सुनने का फायदा यह होंगे कि कदी ना कदी कोई ना कोई ऐसी गल जरूर होंगी है जिड़ी थोड़े दिल में थोड़े दिमाग में बह जाती है और तुसी उस पर अमल भी करते हो, चाहे 100% ना सी पर कोई % बंदे अमल उस पर जरूर कर रहे हैं। उसकी एक गल है कि जितनी देर तक थोड़े उत्ते मजाक नहीं ना किया जाएगा, लोग थोड़ा मजाक नहीं उड़ाएंगे और तुसी उसको बर्दाश्त नहीं करोगे, उतनी देर तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। हालांकि मैं इसको कोई कामयाबी नहीं समझता कि थोड़ा कोई चैनल यूट्यूब का मोनेटाइज हो गया तो ये जी कोई बड़ी वड्डी कामयाबी है। हाँ, वो कामयाबी जरूर है कि मतलब एक तुम चीज़ कर रहे हो सो उस जरा पार्ट वन है या मरला वन है वो थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, तो जहर थोड़ा बहुत फीलिंग तो बंदे की ग्लैड होंगी है। लेकिन है कि चंद लोगों ना मैंने बड़ा मजाक उड़ाया और वो इस वक्त फील भी कर रहे होंगे कि यार एक गल साढ़े उत्ते कर रहा है। नंबर वन है कि मैन जाती तौर पर ना खबरां जानने का बड़ा शौक है, मतलब मुल्की हालात तो अगाह रहने का ना मैन जाती तौर पर एक बड़ी दिलचस्पी है और मैन शौक भी है। और बाज दफ़ा तुसी जितने लोग मैं जानते हैं मेरी अगर फेसबुक वाल वेखते हैं तो उन्होंने बखूबी अंदाजा हो गया कि मैं मोस्टली पोस्ट कोई भी करदा तो वह सियासत के रिलेटिड ही होंगी है और मेरी एफिलिएशन भी है एक पार्टी के नाल। अच्छा, हूँ वो ना मैंने बड़ा ताना मार देने कि यार तू बड़ा नवा साफी बनने की कोशिश कर रहा, तेन बड़ा शौक है साफत करने का। यार मैन वाकई शौक है, सही है, और इसमें तुसी साफत कहो जो मर्जी कहो, मैन डजन मैटर, मैन कोई फर्क नहीं पाँगा कि तुसी की कह रहे हो की नहीं कह रहे हो, बाखुदा मैन कोई फर्क नहीं पाँगा। तुसी सड़ो, तुसी धुआं छोड़ो, जो कुछ मर्जी जे करो, मजाक उड़ाओ, अच्छे बुरे लफज जो मर्जी जे बोलो, बाखुदा मैंने कोई फर्क नहीं पाँगा। वो इस तो नहीं ना फर्क पाँगा कि नंबर वन चीज़ इंसान अपना जज आप होंगे और मैं जाती तौर पर पता है कि यार मैं कोई आराम काम नहीं कर रहा, यार मैं कोई बेहियाई वाला काम नहीं कर रहा कि मतलब मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए कोई बेहियाई फैला रहा या कोई मैं नैगेटिविटी फैला रहा। अगर कोई मैं ऐसी चीज़ की है तो बाज़ दफ़ा होंगे भी है, रिएक्शन होंगे भी है और बाज़ दफ़ा लोग गाला भी कड़ते हैं। हालांकि मतलब कोई भी बंदा मेरी वीडियोज़ अगर देख रहा है तो उसको ऐसा मवाद नहीं मिलेगा, लेकिन कौम इस तरह की है ना कि मतलब उसका मजाज इस किस्म का है कि किसी की तवक्को तो बंदा कोई भी पूरा नहीं उतर सकता। हूँ मैं ना मैं जाती तौर पर चीज़ आखदा कि मेरी जिंदगी में ऐसे लोग अलहमदुल्ला हैं जो मेरी वजह तो जी रहे हैं, मतलब मेरे वालदैन मेरे घर वाले से, और मेरी जिंदगी में ऐसे लोग भी हैं जेडे कहते हैं कि यार ये पैदा क्यों हो गया, मतलब ये होया क्यों है, इस तरह दुनिया तो उन्हें जवाब ही कोई नहीं बनता और वो मतलब मेरे तो इतना मतलब दूर कतराए उकताए हुए हुए रहते ना कि वह कहते कि यार इस कल जाना ना इस दुनिया तो तैयार चला जाए, मतलब है मुख्तलिफ लोगों की थोड़े बारे मुख्तलिफ राय होंगी। हूँ कुछ मेरे दोस्त ने मेरे बारे अच्छा सुन, मेरे दुश्मन भी हैं, मतलब मेरे शरीक भी हैं, मेरे बारे अच्छी राय रखने वाले भी हैं, मेरे बारे बुरी राय रखने वाले भी हैं, मतलब हर किस्म के हर बंद के बारे में राय रखने वाले लोग होंगे ने, सो मेरे बारे में भी हैं। लिहाजा शरीको मैन कोई फर्क नहीं पाँगा कि तुम मेरे बारे की सोचते हो, इस चैनल का लिया के ना तुम बड़ा मेरे से मजाक उड़ाया और अलहमदुल्लाह वो आखिरकार मोनेटाइज हो गया। हालांकि सच्ची गल है कि वो न्यूज़ चैनल है और मेरे को इतना टाइम नहीं होता कि मैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल चो टाइमिंग और खबर दो ऐसा चीज़ा ने कि जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखदियाँ ने। हूँ मैं वीडियो कर रहा इस टाइम रात के 9 बजे, इस तो पहले मैं एक वीडियो बनाई है अपने यूट्यूब चैनल वास्ते, जिड़ी टाइमिंग है ना एक तो मैं रहा बाहर डेरे थे मतलब पेंडू हाँ प्योर किस्म का, दो इतने सिग्नल कम होंगे ने, मैं अगर वीडियो कोई शूट कर भी लवा बना भी लवा ना तो जो मैं उसको अपलोड करना होंगे तो उससे टाइम काफ़ी गुजर चुका होंगे, लिहाजा उससे टाइम मैं वीडियो बाज़ दफ़ा बना लेना लेकिन अपलोडिंग से काफ़ी टाइम लग जाता है। जहर एडिटिंग भी मैं खुद करता, मैं कला बंदा, इतने मेरे सोर्स ही नहीं ना ही रिसोर्स ने कि मैं कोई एडिटर रखा या मैं किसी नाल एफिलिएशन अपनी बधावा, क्योंकि मेरा छोटा जहा तो दाई, हालांकि मैं बड़ा परेशान हूँ बाज़ दफ़ा कि यार मेरी वीडियोज़ इतने व्यू नहीं होंगे जितने सड़ने वाले लोग आ जाते हैं या जितने लोग सड़ते हैं, जितना धुआं भी नज़र आता है अपनी वीडियोज़ से,
उतने मेन व्यूज़ नहीं नज़र आते। लिहाजा यार तुसी जो कुछ मर्जी कहते हो करते हो, हर बंदे दी अपनी अपनी नेचर होंदी है। तो यार तुहाडा शुक्रिया, क्योंकि तुहाडे मजाक की वजह तो ना यकीन करो मैं काफ़ी मोटिवेशन मिली है। तो होर मेरा मजाक उड़ाया करो, इट डजंट मैटर, मेन मसला कोई नहीं है। मैं उसनों पॉजिटिव लेंदा, क्योंकि देखो ना मैं एक अपने आप में ऐसा बंदा समझना कि कोई मेरे से तनकीद कर रहा ना, तो मैं उसनों पॉजिटिव लैके तो फिर अपना कोई भी काम है ना उसनों बेहतर करने की कोशिश करदा, और उस तो काफ़ी सारी बेहतरी नज़र भी होंगी है। अगर मैं प्रॉपर टाइम मिले तो फिर मैं और इसमें अच्छे तरीके रन कर सकता अपने यूट्यूब चैनल में। बाकी ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी ना, मैं तुम्हें भी मशवरा देंगा, बल्कि जो तनकीद करते हैं ना मैं उन्होंने भी मशवरा देंगा कि आने वाले टाइम चो देखो एक चीज़ है ना टिकटॉक है, जो ये नवी नवी ऐप आई ना उदू हर कोई याद है कि यार ये बेजाई का काम है, वो छदो पर दफा करो, ये साडा काम नहीं, शरीफ बने का काम नहीं। और हुण वेख लो तुसी चार पाँच साल बाद तकरीबन आलमोस्ट हर शरीफ बंदे ने भी टिकटॉक मतलब इंस्टॉल की और उसकी आई डी बनाई है। ये मेरा कहने का मतलब है कि अज तुम बुरा लग रहा है ना यूट्यूब पर अगर कोई होर चैनल बना, जहर वेखो फिर गलबात वो ही आ जाती है और एक सलसल जोड़ा वो टुट जाता है। गल करने का मतलब है कि कोई भी नवा तुम काम शुरू कर दो, शुरू में तुम मुश्किल होंगे। उन्होंने कोई मेरी पहली वीडियोज़ कट के वेखे ना तो यूट्यूब चैनल दियाँ, तो उसमें लगेगा कि यार है बंदा यद चैनल यार मोनीटाइज हो गया। मतलब ये कि कॉन्फिडेंस नहीं होंदा, तुसी कैमरा फ्रेंडली नहीं होंदे, तो मतलब कन्फ्यूज होंदा ना बंदा कैमरे के सामने गलबात करने तो वो सामने बहने तो कि और ये सोच होंगी कि लोग की कहेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे च इंप्रूवमेंट आ जाती है और फिर ये जहर है थोड़ा कंटेंट भी बंदे का बेहतर होना शुरू हो जाता है और लोग भी मतलब ये कि थोड़े बहुत वेखना शुरू हो जाते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आ जाती है। फिर दोबारा मैं उस साइड पर जावगा कि शुरू में टिकटॉक को सारे ना पसंद करते हैं और वह भी मतलब ऐसी कोई चीज़ भी नहीं सी, बहरहाल हूँ हर एक ने आई डी बनाई उससे। मेरा गल करने का मतलब है कि यूट्यूब चैनल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस तो सब को फायदा उठाना चाहिए। देखो जरूरी नहीं कि हम मेरा चैनल मोनीटाइज हो गया तो ये कोई बड़ी वड्डी गल है, या मेरा हो गया तो तुहाडा नहीं हो सकता। चैनल तुहानू भी बनाना चाहिए, जिस चीज़ चो दनबूर हासिल है ना, जिस पेशे विच जिस काम चो तुसी उस तरह रिलेटेड कंटेंट बनाना भी आसान होंदा है और गैदर करना भी आसान होंदा है। लिहाजा तुसी उस दे मुताबिक अपनी वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि आने वाले वक्त चो होर पाँच दस साल बाद तुसी वेखना तुसी फील करोगे यार जेडे हुण कह रहे हैं ना कि या मजाक उड़ाउंदे ने या कहंदे ने कि इसनों छड्डो परां यूट्यूब चैनल बनाने की जरूरत नहीं है। सो पाँच दस साल बाद हर बंदा यूट्यूब चैनल बना रहा होगा और उसनों फिर ये गल्लां याद होणगियां कि यार काश मैं दस साल पाँच साल पहले यूट्यूब चैनल बनाया होंदा तो हूँ अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा होंदा मैं, क्योंकि इंप्रूवमेंट वक्त के नाल नाल आउंदी रहिंदी है ना। बंदे की कोई एक वीडियो भी फेमस हो जाती है, वायरल हो जाती है और उस तो उस बाकी जितनी वीडियो होती वो भी वायरल या वो भी फेमस हो जाए, उस सबसक्राइबर मिल जाते हैं, व्यूअर मिल जाते हैं। लिहाजा मैं तुम्हें भी मशवरा देंगा, मैं थोड़े उस तरह मजाक नहीं उड़ावगा, बल्कि मैं कोई भी ऐसा बंदा मैं मिलता है ना इसके मुताबिक या कोई गलबात कर रहा तो यकीन करो मैं उसको हौसला अफजाई करदा। शुरू में ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगे ने जिस तरह मैं पहले कहा, लिहाजा तुम भी यूट्यूब चैनल बनाओ और अगर कोई मजाक उड़ा तो उसको पॉजिटिव लवो, सही है, और इसनों एक मतलब अर्निंग का टूल बनाओ। क्योंकि बाज़ लोग ने मेरे बड़े करीबी अजीज बड़े प्यारे दोस्त भाई ने और वो इस तो बड़ी अर्निंग कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त अर्निंग कर रहे हैं। यार दुआ करनी चाहिए ना सब वास्ते कि मतलब मैं एक वीडियो बना रहा किसी ने की नुकसान हो रहा है, अगर कोई वेखेगा डेफिनेटली मेरा फायदा हो जाएगा। इस तरह तुम वीडियोज़ बनाओ, प्रॉपर चैनल अपना बनाओ, वीडियोज़ अपलोड करो, किस वो रिलेटेड या कंटेंट या मतलब कोई भी इशू हो सकता है उससे रिलेटेड तुम बना सकते हो। बहरहाल बनाओ जरूर यूट्यूब चैनल, जरूर बनाओ और प्रॉपर यूट्यूब चैनल बनाओ और SEO करके मतलब इसके मुताबिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करके अपना एक यूट्यूब चैनल लाजमी बनाओ। वीडियो यार थोड़ी जी लंबी होगी है, बहरहाल बनाई तो मैं अपने हेटर वास्ते सी। अल्लाह हाफिज़।